हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि मुद्रा क्या है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। अब हम बात करेंगे कि नियर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। नियर मनी, निकट मुद्रा, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिसंपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और वित्तीय, रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। रियल एसेट्स क्या क्या होंगे? हाउसेस, लैंड, मशीन्स, मेटल्स एटसेट्रा। फाइनेंशियल एसेट्स में होगा कॉइन्स, करेंसी नोट्स, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं और ये एटसेट्रा है, और भी बहुत से फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब इन फाइनेंशियल एसेट्स में से करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, लिक्विडिटी क्योंकि इनमें ज़्यादा होती है इसलिए इनको कहा जाता है मनी। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इतने लिक्विड नहीं होते जितना कि हम इनकी बात कर रहे हैं, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स की। तो इसलिए इनको कहा जाता है नियर मनी। नियर मनी से मीनिंग है कि पहले उन एसेट्स को कैश में बदला जाता है और फिर उसकी हेल्प से वस्तुएं और सेवाएं परचेज की जाती हैं। नियर मनी रेफर्स टू दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, जिनका इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं हो सकता बट विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू मनी, लेकिन उनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर उनसे वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। और जब जो कन्वर्जन हो रहा है उन एसेट्स का मनी में, तो उससे बहुत अधिक वैल्यू का लॉस और टाइम का लॉस नहीं होता है, इसलिए इनको कहा जाता है नियर मनी। दो और कॉन्सेप्ट हैं यहाँ साथ में। ग्लोबल मनी क्या होता है? जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड होता है, जैसे अमेरिकन डॉलर ग्लोबल मनी है। कंपोजिट मनी क्या होता है? कंपोजिट मनी इज दैट मनी विच रिफ्लेक्ट्स एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द वेरियस करेंसीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नेशंस। अ ग्रुप ऑफ नेशंस की वेरियस करेंसीज कि एवरेज वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करता है वो कहलाएगा कंपोजिट मनी। जैसे यूरो, यूरो जो करेंसी है वो एग्जाम्पल है यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी की एवरेज वैल्यू का। द फॉलोइंग एसेट्स आर ट्रेडेड एज नियर मनी। नियर मनी में किन किन को हम कंसिडर कर रहे हैं? टाइम और फिक्स डिपॉजिट। टाइम और फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो एक समय के लिए हमने डिपॉजिट कराए हुए हैं और उनके बदले में फिर हमें उनके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक से। तो जैसे आपने घर पे भी सुना होगा कि एफडी कराई हुई है, वो 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो पैसा जमा कराया हुआ है वो उसके बाद विद इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई उससे पहले ही, उस टाइम पीरियड से पहले ही विड्रॉ करता है मनी, तो उसको कुछ लॉस ऑफ वैल्यू बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब एक डेटर है और एक क्रेडिटर है, अगर उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इतने टाइम पीरियड के बाद विद इंटरेस्ट डेटर जो है वो पेमेंट कर देगा, लेकिन क्रेडिटर को अगर उस टाइम पीरियड से पहले ही मनी की आवश्यकता हो जाती है तो वो क्या करेगा? डिस्काउंट करा लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, लेकिन उससे बैंक्स में वो डिस्काउंट करा लेगा लेकिन उससे उसको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है कि वो मान लीजिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इतनी पेमेंट क्रेडिटर को कर देगा, लेकिन अगर क्रेडिटर को पहले आवश्यकता हो जाती है तो उसको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा जो डेटर ने पे किया है बैंक में, क्योंकि जो क्रेडिटर है उसने पहले ही पैसे निकलवा लिए हैं। नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट गेट्स लोन फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नमेंट को लोन मिलता है शॉर्ट पीरियड के लिए पब्लिक से ट्रेजरी बिल्स के द्वारा। बॉन्ड्स से जो है गवर्नमेंट एंड फर्म्स लॉन्ग पीरियड के लिए लोन प्राप्त करते हैं। शेयर्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज फंड्स अपने एकत्रित करती हैं शेयर्स जारी करके। पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या कोई और किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है तो उसकी एवज में जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नियर
नियर मनी के। अब एक कॉन्सेप्ट है क्वाजाई मनी, मुद्रावत की अवधारणा। क्वाजाई मनी रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल एसेट्स विच हैव सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ मनी, जिनमें कुछ ऐसे एसेट्स जिनमें मनी के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ गुण होते हैं और वो मनी के कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनको मनी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं पोस्टल ऑर्डर, गिफ्ट वाउचर्स, लंच कॉस्ट वाउचर्स। जो वाउचर्स मिलते हैं उनसे हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो खरीद पाते हैं, लेकिन वो मनी नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है क्वाजाई मनी। इज क्रेडिट कार्ड अ फॉर्म ऑफ मनी? क्रेडिट क्या होता है? साख। जो क्रेडिट कार्ड है, बैंक से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन उससे हम बैंक में अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं, वो मनी नहीं होता, क्योंकि उसकी जो पेमेंट है वो हमें बाद में करनी पड़ती है। बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफिकल्टीज। बार्टर सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वस्तुएं देकर दूसरे प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वो बार्टर सिस्टम था। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों तरफ से एग्रीमेंट होना चाहिए, एक व्यक्ति जो वस्तु बेच रहा है दूसरे को उसकी जरूरत होनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति जो बेच रहा है उसकी पहले व्यक्ति को आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये ऐसा पॉसिबल बहुत कम केसेस में होता है कि डबल कोइंसिडेंस हो जाता है वांट्स का। तो इस वजह से जो ट्रांजैक्शंस थे, जो लेन देन थे, वो लिमिटेड रहते थे। नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। वो कोई यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनसे हम उनको एज यूनिट ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स को इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, जैसे यहाँ पर एक हॉर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक व्यक्ति हॉर्स के बदले में दो गोट्स चाहता है, तो लेकिन जो खरीदने वाला है उसको एक ही गोट की आवश्यकता है, तो अब हॉर्स के टुकड़े कैसे हों? तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो डिवाइड नहीं किया जा सकता था कुछ गुड्स को। स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू। स्टोरिंग में भी प्रॉब्लम आती थी, जो उसको स्टोर करके रखते थे तो उससे गुड्स की वैल्यूज जो हैं वो डिक्लाइन हो जाती थी, और वो कभी भी अगर हम गुड्स की वैल्यू देखेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है, इसलिए उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। कैन यू डेफर पेमेंट्स फॉर ए ट्रांजेक्शन? और जो ये बार्टर सिस्टम था उसकी हेल्प से फ्यूचर पेमेंट्स करने में भी मुश्किल आती थी, क्योंकि वही क्वालिटी, शेप, साइज जो है वो वस्तुओं का वैसा नहीं रहता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैन यू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वैल्यू ट्रांसफर करने में भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्वालिटी डिक्रीज होने का भी डर था, और भी बहुत प्रकार के रिस्क थे, चोरी होने का, डाका होने का, या और टूट फूट होने के भी डर रहते थे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जैसे अगर एक व्यक्ति घर बेचकर किसी और स्थान पर जाकर शिफ्ट होना चाहता है, तो उसको घर के बदले अगर वो बेचना चाह रहा है एक स्थान पर, तो उसको वस्तुएं मिलेंगी, और उन वस्तुओं को दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही मुश्किल था, तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अदर डिफिकल्टीज क्या थी? जैसे हमने कहा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाता था, उससे लेन देन लिमिटेड हो गए थे, और इसी वजह से जो मार्केट साइज है वो छोटा ही रहता था। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। इनको तीन भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं? मनी को हम इस्तेमाल करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के लिए एक हमारा मीडियम होता है मनी, उसकी हेल्प से हम वस्तु और सेवाएं खरीद पाते हैं। यहाँ पर मनी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकता नहीं होती, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर किया जा सकता है किसी वस्तु की वैल्यू को,
और डिफरेंट जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी वैल्यू का कंपैरिजन भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि मनी कैसे काम करता है, एक्ट्स एज अ यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर के रूप में काम करता है। अब हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, अगर फ्यूचर की कुछ पेमेंट्स हैं, लोन्स अगर लिए हैं वो फ्यूचर में पे करने हैं, या जो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, ये सभी किसकी हेल्प से डेवलप हो पाए हैं, मनी की हेल्प से ही डेवलप हो पाए हैं, मनी है तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि प्राइस लेवल स्टेबल होना चाहिए, अगर अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन है, तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर भी आसानी से किया जा सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति घर बेचकर कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, तो मनी की हेल्प से ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो अपना घर बेचकर मनी प्राप्त कर लेगा और किसी दूसरे स्थान पर उस मनी की हेल्प से वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी आसान हो जाता है मनी के हेल्प से। कंटिंजेंट फंक्शंस, तीसरे प्रकार क्या है हमारे कंटिंजेंट फंक्शंस, इसमें फर्स्ट है हमारा मनी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जो अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे चेक्स हैं, ड्राफ्ट हैं और अदर सेवरल टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, उनका बेस क्या होता है, मनी। मनी फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मनी की हेल्प से ही नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जा सकता है, कि उस इनकम का वितरण किस प्रकार से हुआ है वो भी जाना जा सकता है। मनी इज द बेयरर ऑफ ऑप्शन, मनी की हेल्प से हम जो फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है या खर्च एक्सपेंडिचर करना है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, फ्यूचर में जो हम हमारा प्लान है एक्सपेंडिचर का वो चेंज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने कलर टीवी के लिए मनी सेव किया हुआ है, लेकिन अगर उसका भाई बीमार हो जाता है तो पहली प्रायोरिटी भाई का इलाज है, तो उस मनी को जो टीवी के लिए सेव किया हुआ था दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मनी सर्व्स एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी गारंटी देता है सॉल्वेंसी की, क्योंकि अगर किसी फर्म ने लोन लिया है, चाहे उसके टोटल एसेट्स ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास मनी नहीं है लेन देन के लिए, ऋण पे करने के लिए, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए सॉल्वेंसी के लिए भी मनी की आवश्यकता होती है। मनी फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, मनी की हेल्प से लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल रहती है। वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कैपिटल इन द फॉर्म, अगर हम जो कैपिटल अगर हाउस या शॉप्स की फॉर्म में है या लैंड की फॉर्म में है वो लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन मनी की फॉर्म में पैसा लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी पीछे पीछे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। अब नेक्स्ट है मनी फैसिलिटेट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो भी मनी की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस हम देखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हम देखते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर जितनी उस व्यक्ति के लिए, जितनी सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को वो मनी दे रहा है, मनी की वो यूनिट दे रही है, उतनी ही सेटिस्फेक्शन उस मनी को खर्च करके जो वस्तु उसने प्राप्त की है उतनी ही उसके कंजम्पशन से मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के पॉसिबल मनी की हेल्प से ही हो पाए हैं। ये हमारा एक तरीका था डिफाइन करने का उसको फंक्शंस को, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस। एक और तरीके से हम कर सकते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस आर सच फंक्शंस ओनली हेल्प टू रेगुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम, जो रेगुलेट नियंत्रित करने का काम करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को, कोई डायनामिज्म इन्फ्यूज नहीं करते हैं, कुछ डायनामिज्म नहीं आ पाता है इकोनॉमी में। ऐसे फंक्शंस कौन से होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। लेकिन जो डायनेमिक फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
इन फंक्शंस की वजह से क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग फैसिलिटेट होती है, जो घाटे की वित्त व्यवस्था की हम बात करते हैं वो डिप्रेशंस रिसेशंस में बहुत यूजफुल रहती है। मनी से इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स भी हो सकती हैं, लेन देन हो सकते हैं। और एक और फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDRs, उनकी हेल्प से भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। तो ये हमने देखे कि स्टैटिक और डायनामिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।